दोस्तों, सैमसंग फिर से अपने इस सीरीज के अंदर कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है। कुल मिला के 9 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, जिसमें से गैलेक्सी A51 पावर भी शामिल है। अब आप नाम देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं ये फोन कैसा होगा। दोस्तों, इसमें सैमसंग एक नया चिपसेट को यूज करेगा जो होगा एक्सिनोस 9630, जो एक्सिनोस 9610 का एक सक्सेसर होगा। मतलब इस बार आपको और भी पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है कि यह चिपसेट 64MP कैमरा को सपोर्ट करता है, तो हो सकता है मार्केट में कॉम्पिटिशन के चलते सैमसंग इसमें 64MP का कैमरा सेटअप दे दे। उसके अलावा आपको इसमें पंचोल डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब एक के बाद एक सैमसंग का नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं सैमसंग के कोई भी स्मार्टफोन को लेने के बारे में, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफी सारे एक्साइटिंग स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से लॉन्च होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।